कोर्ट इज एंड वेलकम टू द कंप्लीट जावासक्रिप्ट सीरीज जिसके अंदर हम जावास को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं अब हमारी जो जावास सीरीज है वो इसी चैनल के ऊपर इस प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है तो अगर आपको पुराना कोई टॉपिक जाके देखना है या फ्यूचर के जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल होंगे साथ के साथ हर लेक्चर के नीचे जो लेक्चर की स्लाइड्स है नोट्स हैं उनका लिंक आपके पास अवेलेबल होगा तो उनको हम कभी भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं बल्कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे और बाद में जाकर इन्हीं को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे तो आज हमारी सीरीज के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरेज़ तो आज हम एरेज़ एंड एरे मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एरेज़ हमारे काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डे टू डे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कराने के लिए तो अब शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर से Hi everyone, और हम शुरुआत करने वाले हैं, अपने फोर के साथ जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने एरेस के बारे में डिटेल में अब जब भी हम एरेस की बात करते हैं जावा एरे कलेक्शन ऑफ आइटम्स अभी तक हमने ऑलरेडी एक और कलेक्शन ऑफ आइटम की बात की है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी हमने देखा था कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव करवानी है फॉर एक्जाम्पल किसी स्टूडेंट के लिए नेम सेव करवाना है उसकी एज स्टोर करानी है उसकी सिटी का नाम स्टोर कराना है उसकी सी जी पे स्टोर करानी है तो इस तरीके की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हम एक स्टूडेंट नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं अब यहीं से मिलता जुलता एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ अज्यूम करते हैं कि मुझे मेरी एक क्लास है आई हैव अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स और उस क्लास के अंदर पाँच स्टूडेंट्स हैं और मुझे इन पाँच स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं लेट्स सपोज 97, एक के मार्क्स आए हैं 82, एक के मार्क्स आए हैं 76, एक के मार्क्स आए हैं 65, एक के मार्क्स आए हैं 54. इस तरीके से पांच स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स स्टोर किए हैं इन मार्क्स को हम किस तरीके से स्टोर करा सकते हैं सबसे पहला सबसे बेसिक तरीका जो हमारे दिमाग में हिट करता है इसे कोड के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं कोड सेटअप के लिए ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का हमारा फोल्डर था जिसके अंदर हमने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल के अंदर यह बहुत ही बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको जनरेट कर रखा है स्क्रिप्ट डॉट जे एस हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसको हमने अटैच कर रखा है एंड स्क्रिप्ट डॉट जे के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं सेम फाइल को हमने अपने ब्राउजर के अंदर खोला हुआ है इंस्पेक्ट करके कंसोल विंडो के अंदर ऑलरेडी हमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है जावर के अंदर कैसे काम करती हैं अब बात करते हैं एरेज के बारे में अब स्क्रिप्ट डॉट जे के अंदर लेट सपोज मुझे पाँच स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो सबसे पहली अप्रोच होगी कि हम पांच अलग अलग वेरिएबल बना लें हम इसे बोलेंगे मार्क वन या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन इसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन हम लिख सकते हैं इनके हम मार्क्स स्टोर कर लेंगे लेट्स कॉल इट 97 ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो गया इसी तरीके से हम अपना सेकंड वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें स्टूडेंट टू के मार्क्स स्टोर कराएंगे इसके लिए हम लिख लेते हैं 82 टू एंड इसी तरीके से हम पांच अलग अलग वेरिएबल्स बना लेंगे अब लेट्स अज्यूम कल को क्लास के अंदर दस नए बच्चे आ जाते हैं या पचास नए बच्चे आ जाते हैं कल को क्लास का साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये अप्रोच बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है क्यों क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और हर वेरिएबल का अलग से ट्रैक रखना पड़ेगा अब दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हम मार्क्स नाम के एक ऑब्जेक्ट बना लें सो वट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इसको हम मार्क्स कह देते हैं और हमें पता है ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है की वैल्यू पेयर्स होते हैं पहले हो सकता है हम कोई की एड कर दें इसको कह देते हैं स्टूडेंट वन हमारी की हो जाएगी उसके अंदर नाइन्टी सेवन मार्क्स स्टोर करा देंगे स्टूडेंट टू हमारी की हो जाएगी उसके अंदर एट्टी टू मार्क्स स्टोर करा देंगे इस तरीके से स्टूडेंट so, वन की हो जाएगी नाइन्टी सेवन मार्क्स स्टोर करा दिए स्टूडेंट टू की हो जाएगी एट्टी टू मार्क्स स्टोर करा दिए तो इस तरीके से हम अलग अलग स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स स्टोर कराते चले जाएंगे इसमें अब इस तरीके से भी हम अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करा सकते हैं पर ये उतना अच्छा तरीका नहीं है उतना अच्छा तरीका इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है जो नाम है वो एक तरीके से रिपीट ही हो रहे हैं मतलब हमें पता ही है हमेशा हर जो मार्क्स हम स्टोर करा रहे हैं वो पहले स्टूडेंट वन के ही कराएंगे फिर टू के ही कराएंगे फिर थ्री के ही कराएंगे फिर फोर के ही कराएंगे तो मार्क्स जो है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी स्टोर कराए जा सकते हैं पर वो प्रोग्रामिंग के अंदर उतना अच्छा तरीका नहीं होता जनरली जब हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो सेम टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कराते हैं तो उनके लिए हम कलेक्शन की फॉर्म में एरेज के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कराना प्रेफर करते हैं और एरेज क्या होता है एरेज इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने का एक लीनियर तरीका होता है लीनियर कहने का मतलब है कि जब भी हम एरे को इमेजिन करेंगे एरे को हम इस तरीके से एक सिंगल लाइन के अंदर इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स है बॉक्स के अंदर हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी थर्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी फोर्थ आ जाएगी फिफ्थ आ जाएगी सिक्स आ जाएगी सेवन्थ आ जाएगी और जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हर की को मुझे अलग नाम देना पड़ता है जैसे यहाँ स्टूडेंट वन को अलग नाम देना पड़ा स्टूडेंट टू को अलग नाम देना पड़ा तो यहाँ भी हमें बहुत सारे नाम ट्रैक करने पड़ेंगे पर ये जो हमारा एरे है एरे को हमें एक ही नाम देना पड़ता है जैसे इस एरे को मैंने कह दिया ये मेरा मार्क्स एरे है तो इसे मुझे एक ही नाम देना पड़ा मार्क्स अब मार्क्स के अंदर मुझे पता है कि मार्क्स के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी स्टोर्ड है फर्स्ट पोजीशन पे ये वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है सेकंड पोजीशन पे वाली इन्फॉर्मेशन थर्ड पोजीशन पे ये वाली इन्फॉर्मेशन फोर्थ पोजीशन पे तो इस तरीके से एरे के अंदर पोजिशन मैटर करती है एज सच ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे की का नाम मैटर करता है यहाँ पे नाम मैटर नहीं करता यहाँ पे पोजिशन मैटर करती है या पोजिशन के बारे में हम, हमने ऑलरेडी एक बात सीखी थी पोजिशन को हम इंडेक्स कहते हैं इंडेक्स मैटर करता है एरे के अंदर तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमें सेम टाइप की इंफॉर्मेशन का कलेक्शन बनाना होता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए हम अपने एरे को यूज करते हैं अब एरे को हम क्रिएट कैसे करेंगे एरे को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं अपने एरे का नाम लेफ्ट एरे भी लिख सकते हैं कॉन्स्ट एरे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू और फिर राइट right साइड में हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम एक एक करके अपने आइटम्स को लिख देते हैं बाय सेपरेटिंग देम विद अ कॉमा जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया कॉमा सेकंड एलिमेंट हो गया कॉमा पर यहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है एरे के अंदर पेयर नहीं होता एरे के अंदर सिंगल वैल्यू होती है एरे के अंदर कोई कीज नहीं होती

अब अपने सैम्पल एरे को एक बार क्रिएट करके देखते हैं लेट सपोज मुझे अपने मार्क्स का एरे बनाना है तो मैं लिखूंगी लेट मार्क्स इज इक्वल टू और इसमें सारे मार्क्स आ जाएंगे 97 आ जाएगा 82 आ जाएगा 75 आ जाएगा 64 आ जाएगा वी कैन ऑल्सो हैव 36 तो इस तरीके से अलग अलग मार्क्स की इंफॉमेशन हमारे पास आ गई तो ये हो गया हमारा एरे हम चाहें तो इसे लॉग भी करा सकते हैं आई कैन राइट कंसोल डॉट लॉग मेरा मार्क्स वाला एरे इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश तो ये हमारा मार्क्स वाला एरिया आ गया एरिया का साइज हमें दिखाई दे रहा है पहले किस साइज का एरिया फाइव साइज का एरिया इसे एक्सपैंड कर सकते हैं अब हमारी पोजीशन जीरो पे यानी इंडेक्स जीरो पे 97 है वैल्यू इंडेक्स वन पे 82 है वैल्यू इंडेक्स टू पे 75 है इंडेक्स थ्री पे ये है इंडेक्स फोर पे ये है और लेंथ भी साथ के साथ हमारे पास है तो जो हमारा एरे होता है जनरली एरेज को हम उन सिचुएशन के लिए प्रेफर करते हैं जहां हम मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन बना के तो स्टोर करना चाहते हैं पर सारे आइटम्स को हम एक ही नाम देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो हर की को हमें अलग नाम देना पड़ता है पर एरे के अंदर सारे के सारे आइटम्स को हम एक सिंगल नाम के अंदर सिंगल अम्ब्रेला के अंदर स्टोर करके रख देते हैं अब ये जो एरे है एरे के अंदर हमारे पास लेंथ नाम की प्रॉपर्टी भी होती है तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग होती है हम स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट कर सकते हैं वैसे ही हम एरे की लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं जैसे इन द नेक्स्ट लाइन आई कैन चूज टू प्रिंट मार्क्स डॉट लेंथ तो इस तरीके से हम अपने एरे का नाम लिखते हैं डॉट लिखते हैं और हम लेंथ लिखते हैं ये जो लेंथ है ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एरे के अंदर

लेट्स मेक एन एरे कॉल्ड हीरोज हीरोज़ के अंदर हम अपने सुपर हीरोज़ के नाम स्टोर कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट विद आयन मैन उसके बाद वी कैन हैव थॉर वी कैन हैव हल्क वी कैन हैव शक्तिमान वी कैन हैव स्पाइडरमैन इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हम स्टोर कर सकते हैं और इस एरे को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड वी कैन प्रिंट आर हीरोज सेफ रिफ्रेश तो ये हमारा पाँच साइज़ का हीरोज वाला एरे जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया साइज क्योंकि सेम आ रहा है वी कैन एड वन मोर एंड मैन सेफ रिफ्रेश तो ये हमारे पास साइज़ इंक्रीज होकर आ गया एरे का एंड इस एरे की भी हम लेंथ को प्रिंट करवा सकते हैं तो ये तो हो गया एरेज के बारे में अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखने वाले हैं कि जब भी हम एरेज की बात करते हैं इफ आई इसे एक बार क्लियर कर लेते हैं कमांड के से लेट सपोज मैंने अपना मार्क्स वाला एरे प्रिंट करवाया अब मैं क्या करने वाली हूं अब मैं टाइप प्रिंट करवाने वाली हूँ टाइप ऑफ मार्क्स और एक इंटरेस्टिंग चीज हम नोटिस करेंगे कि जो एरे होता है वो एरे अपने आप में कोई टाइप नहीं होता एरे खुद एक ऑब्जेक्ट टाइप होता है जब हमने डेटा टाइप्स की बात की थी दो टाइप के हमारे डेटा टाइप्स होते थे एक होते थे प्रमेटिव यानी बेसिक डेटा टाइप्स एक होते हैं नॉन प्रेमेटिव एडवांस डेटा टाइप्स एडवांस डेटा टाइप्स के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स की बात की थी तो एरे क्या होता है तो एरे एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होती है एरे इंटरनली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होती है तो उसके टाइप में आपको एरे प्रिंट होकर नहीं आएगा बट हाँ एरेज को ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा सेपरेटली ट्रीट करते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि एरे हमारी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें की वैल्यू पेयर तो होता है बट की की जगह हम अपने इंडेक्स को यूज करते हैं कि इंडेक्स जीरो पे की की वैल्यू पे तो है, है एक तरीके से कि इंडेक्स पे वैल्यू 97 है इंडेक्स पे वैल्यू 82 है इंडेक्स टू पे वैल्यू 75 है तो इसको कह सकते हैं की जीरो है वैल्यू 97 है की वन है वैल्यू 82 है की टू है वैल्यू 75 है तो यहां पर ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की की जगह हमारे पास इंडेक्स की वैल्यूज होती है एंड देर इज ऑल्सो दिस फनी थिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट विच इज अ बेसिकली अ जो कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैक्सिमम चीजें आपको नहीं पता कब क्या ऑब्जेक्ट निकल जाए तो काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको देखने को ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर चीजें दे टर्न आउट टू बी ऑब्जेक्ट्स और दे बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स विच इज अर्ड एंड ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट जावा स्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज तो ये तो हो गया अबाउट बेसिक्स ऑफ एरेज इसके साथ में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट एरे इंडा इंडाइसिस यानी इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं हेलो और अगर हम ये जीरो इंडेक्स वाला आइटम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग ऑफ जीरो वैसे ही एरे के अंदर इंडेक्स के थ्रू आइटम्स एक्सेस करने के लिए हम लिखते हैं एरे का नाम एंड उसके बाद अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर अपने इंडेक्स की पोजिशन तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई अपना एरे क्रिएट किया है लेट सपोज हमने अपने मार्क्स के लिए एरे क्रिएट किया है मार्क्स में है 97 है 82 है 64 है 76 है थर्टी सिक्स है इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज हैं अगर तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज होती हैं ये हमारे एरे के अंदर कुछ इस तरीके से स्टोर होती हैं कि यहाँ हमारे पास नाइन्टी सेवन आ गया ये एट्टी टू आ गया ये सिक्सटी फोर आ गया सेवेंटी सिक्स आ गया थर्टी सिक्स आ गया तो बेसिकली द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ लीनियर फैशन लीनियर यानी सिंगल लाइन फैशन के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं और ये हमारा इंडेक्स जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा और यहाँ इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यूज एक्सेस करने के लिए अगर मुझे जीरोएत वाले इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी है यानी जीरो पोजिशन की तो मैं लिखूंगी एरे ऑफ जीरो एरे ऑफ वन पे ये वैल्यू आ जाएगी टू पे ये वैल्यू आ जाएगी थ्री पे ये वैल्यू आ जाएगी इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं लेट्स क्लियर द स्क्रीन ये हो गया हमारा मार्क्स वाला एरे अब मार्क्स एरे के अंदर जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाएं तो वी कैन राइट मार्क्स ऑफ जीरो हमारे पास नाइनटी सेवन आ जाएगा

तो इस तरीके से जब हम वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आता है ऑल्सो अगर हमें कभी भी जाके एरे की वैल्यूज को चेंज करना होता है तो हम उन्हें भी जाके चेंज कर सकते हैं सिंपली किसी भी इंडेक्स पे जाके अगर मुझे वैल्यू को चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी की जगह हम सिक्सटी करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं एरे ऑफ जो भी इसका इंडेक्स है जीरो वन टू इसका इंडेक्स है टू तो एरे ऑफ टू इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स इस तरीके से जैसे ही हम कर देंगे तो मेमरी के अंदर ये 64 फोर हट के यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 66 सिक्स के इक्वल दिस थिंग इज ऑल्सो पॉसिबल सो इफ आई मेक एरे ऑफ या एक बार मार्क्स को प्रिंट करवाते हैं ये हमारे मार्क्स हो गए अब मार्क्स में 97 की जगह मार्क्स ऑफ जीरो को मुझे कन्वर्ट करना है टू सिक्सटी एंटर किया तो इस बार मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई मार्क्स की वैल्यू हो गई 66 के इक्वल तो ये चीज़ कंप्लीटली कर पाना पॉसिबल है एरेज़ के केस में ये चीज़ हम स्ट्रिंग्स में नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स में अगर हमने कोई स्ट्रिंग बनाई हेलो इस तरीके से स्ट्रिंग बना ली अब मैं सोचू स्ट्रिंग ऑफ जीरो को मैं वाई बना दू और अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाएं तो स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं आएगा स्ट्रिंग हेलो की हेलो ही रहेगी इसका रीजन ये होता है जिसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्यूटेबल होती हैं उन्हें चेंज नहीं कर सकते इन प्लेस लेकिन हमारा जो एरे होता है

ये तो हमने ऐसा एरे बना दिया जिसके अंदर पांच आइटम है ऐसा भी एरे हो सकता है जिसके अंदर सौ आइटम हो ऐसा भी एरे हो सकता है जिसके अंदर एक लाख आइटम्स हो तो हम अपने आइटम्स जो होते हैं एरे के उसके ऊपर लूप ओवर कैसे करते हैं इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें एरे के सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है यहाँ पर आ जाते हैं कोड के अंदर लेट सपोज वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल आर हीरोज ये हमारे सारे के सारे सुपर हीरोज की हमारे पास एक लिस्ट है थोड़ा सा इसे स्मॉल करके मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ ये हमारे पास एक लिस्ट है अब इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे आइटम्स को हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने का बहुत बेसिक तरीका ये हो सकता है कि हम लिखें कंसोल डॉट लॉग हीरोज ऑफ जीरो नेक्स्ट लाइन के अंदर सेम चीज कॉपी पेस्ट करके हम लिख सकते हैं हीरोज ऑफ वन सेव किया रिफ्रेश किया तो इस तरीके से एक एक करके हम अपने नामों को प्रिंट करवाएं बट इसको करने का एक और बेटर तरीका हमारे पास है जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही कवर किया है विच आर आर लूप्स तो लूप्स का जो असली काम है वो यहीं पे हमें दिखाई देगा लूप्स का जो असली काम है वो आइटरेबल्स के अंदर दिखाई देता है आइटरेबल क्या होते हैं आइटरेबल ऐसे आइटम्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिनके ऊपर हम आइटरेट कर सकते हैं मतलब लूप लगा सकते हैं तो आइटरेबल्स में स्ट्रिंग्स भी आ जाती हैं आइटरेबल्स में ऑब्जेक्ट्स भी आ जाती हैं और आइटरेबल्स में हमारे एरेज भी आ जाते हैं ये ऐसे कलेक्शन हैं आइटम्स के स्ट्रिंग भी क्या है कैरेक्टर्स का कलेक्शन है ऑब्जेक्ट क्या है की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है एरे क्या है सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स का हम कलेक्शन इसको बोल सकते हैं तो वैल्यूज का कलेक्शन है ये सारे आइटरेबल्स हैं जिनके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हो तो लूप्स का असली यूज समझ में हमें आएगा एरेज को पढ़ते टाइम अब एरेज के ऊपर जब हम लूप लगा रहे होते हैं तो हम हर एक आइटम को प्रिंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं हम वाई लूप भी यूज कर सकते हैं हम डू वाई लूप भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने फॉर लूप का फॉर लूप की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो एरेज के लिए फॉर लूप लिखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज करते हैं विच इज आर लेंथ प्रॉपर्टी क्योंकि हमें पता होनी चाहिए एरे के अंदर कितने आइटम्स हैं तभी तो लूप लगा पाएंगे स्टॉपिंग कंडीशन तो पता होनी चाहिए ना कि कहां पे हमें रुकना है तो हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है और हमें जितनी लेंथ है हमारे एरे की वहां तक हमें जाना होता है तो इफ आई राइट अ फॉर लूप आई कैन राइट फॉर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट आई इज इक्वल टू या आई की जगह इसको इंडेक्स वेरिएबल कह देते हैं हमारा जो इंडेक्स है इसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर आइटम है वन टू थ्री फोर फाइव दिस इज माई एरे अब इस एरे के अंदर ये इंडेक्स जीरो है वन है टू है थ्री है फोर है अब यहां से अगर मुझे लूप लगाना स्टार्ट करना है तो वील ऑब्वियसली गो टू इंडेक्स जीरो फिर इंडेक्स वन में जाएंगे फिर इंडेक्स टू पे जाएंगे फिर इंडेक्स थ्री पे जाएंगे कब तक जाएंगे जब तक हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते तो हमें इंडेक्स को तो जीरो से स्टार्ट करना है और स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी स्टॉपिंग कंडीशन होगी इस एरे की लेंथ क्या है इस एरे की लेंथ हमारे पास है फाइव के इक्वल ये चीज याद रखनी है एरे लेंथ लास्ट इंडेक्स प्लस वन होती है लास्ट इंडेक्स फोर होगा तो एरे लेंथ फाइव होगी एरे लेंथ लास्ट इंडेक्स नहीं होता एरे लेंथ होती है कि उस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास हैं कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास हैं तो इंडेक्स जीरो से जाएगा और कब तक बढ़ता जाएगा जब तक मेरे इंडेक्स की वैल्यू लेस देन माई एरे डॉट लेंथ नहीं रहती लेस देन एरे डॉट लेंथ नहीं रहती हर बार हम अपने इंडेक्स को करते रहेंगे प्लस प्लस तो इस तरीके से हम अपने एरे के ऊपर लूप चलाते हैं ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन हो गई इंडेक्स कब तक बढ़ेगा पहले इंडेक्स जीरो होगा फिर वन होगा हर बार प्लस प्लस होगा फिर टू होगा फिर थ्री होगा फिर फोर होगा अब जैसे इंडेक्स की वैल्यू फाइव हो जाएगी वो क्या लेस देन फाइव रहेगी नहीं रहेगी तो हम इस एरे से हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे तो इंडेक्स की वैल्यू कभी भी इक्वल टू एरे डॉट लेंथ नहीं होती हमेशा लेस देन एरे डॉट लेंथ रहती है तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड तरीका है हमारे एरे के लिए कोई भी लूप लिखने का तो सेम लूप हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ या एरे की जगह इसको हम कहेंगे हीरोज अपने एरे का नाम लिखते हैं हीरोज डॉट लेंथ हर बार कर देंगे इंडेक्स प्लस प्लस और यहां पर हम अपने आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे आइटम्स को जनरली हम एक्सेस करने के लिए लिखते हैं अपने एरे का नाम और फिर अपना इंडेक्स लिखते हैं जीरो लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं टू लिख सकते हैं इस बार इंडेक्स क्या है इंडेक्स है idx तो इसको हम प्रिंट करवा देंगे सेव किया रिफ्रेश किया तो ये सारे के सारे हमारे हीरोज के नाम हमारे पास निकल कर आ गए तो हमारा लूप कहां तक चलेगा हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक इंडेक्स की वैल्यू हीरोज की लेंथ से लेस रहती है यहाँ गलती से इक्वल टू नहीं कर देना इक्वल टू आप तब कर सकते हो यहां इक्वल टू कर देंगे जब यहां हम इस इंडेक्स को वन से स्टार्ट करेंगे और यहां हमें इंडेक्स माइनस वन करना पड़ेगा सेव किया रिफ्रेश किया तो भी हमारा कोड रन कर जाएगा बट ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है स्टैंडर्ड तरीका है ओके okay, स्टैंडर्ड तरीका है इस तरीके से अपने फॉर लूप को लिखने का और यहाँ पर और सिंपल करने के लिए हम हमेशा इंडेक्स की जगह आई को यूज करते हैं तो जनरली जो हमारे फॉर लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो जीरो वैल्यू के साथ स्टार्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद वन व्हेन वी आर डीलिंग विद आइटरेबल्स लाइक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एरे तो हम अपने हमेशा जो हमारा आइटरेटर होता है उसको आई को जे को के को जिसको भी हम लिख रहे हैं उसको हम जीरो के साथ स्टार्ट करते हैं और लेस देन लेंथ वाली वैल्यू रखते हैं ये तो हो गया हमारा हीरोज वाला एरे जिसको हमने प्रिंट करवा दिया अब इस एरे को हमने प्रिंट करवाया है यूजिंग अ फॉर लूप पर एरे को प्रिंट करवाने के लिए एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर ऑफ लूप भी यूज कर सकते हैं फॉर इन लूप भी यूज कर सकते हैं जनरली दोनों को ही यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ भी वैलिड होगा फॉर इन भी वैलिड होगा बट जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर अगर एरे को एक्सेस करना है तो हम फॉर ऑफ लूप को प्रेफर करेंगे अब फॉर ऑफ लूप से एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर लेट आइटम आइटम इसको बोल सकते हैं नहीं तो एलिमेंट इसको बोल सकते हैं आई लाइक टू राइट इट एज ई एल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म लेट एलिमेंट ऑफ और फिर अपने एरे का हम नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम अपने इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं यहाँ पे अपने इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं या इसको हीरो ऑफ हीरोज भी बोल सकते हैं हम हीरोज तो क्या हो गया प्लूरल नाम हो गया बहुत सारे हीरोज की इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करा ली इंडिविजुअल हीरो को हम हीरो कहेंगे तो हीरोज एरे से हमने इंडिविजुअल हीरो को निकाल लिया सेव कर लेते हैं रिफ्रेश किया ओके हीरोज इज नॉट डिफाइंड हैव आई मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक इसको हीरोज कह देते हैं रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई इस तरीके से लेट सपोज हमने एक नया एरे बनाया कॉल्ड सिटीज तो सिटीज़ के अंदर हम अलग अलग सिटीज़ की इंफॉर्मेशन स्टोर करा सकते हैं दिल्ली हो गया पुणे हो गया मुंबई uh, हो गया हमारे पास हमारे पास हैदराबाद हो गया हमारे पास गुड़गांव हो गया अलग अलग सिटीज़ हो गई तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भी लेट सिटी ऑफ सिटीज़ एंड कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा सकते हैं अपनी हर इंडिविजुअल सिटी की वैल्यू सेव किया किया रिफ्रेश तो ये हमारे पास सारी सारी की सारी की सिटीज वैल्यू आ गई तो इस तरीके से हम अपने एरे के ऊपर लूप लूप करते हैं अब करके इंटरनली हम कोई भी काम करवा सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हर सिटी को मुझे अपर केस करके प्रिंट करवाना है कैसे प्रिंट करवाएंगे हम सिटी को प्रिंट करवाते टाइम हर बार लिख देंगे डॉट टू अपर केस जो हमारा स्ट्रिंग का मेथड था जिसको हमने पढ़ा था सेव किया तो स्ट्रिंग मेथड क्या करता है हमारे लिए कुछ काम करके दे देता है सिटी को अपर केस करके दे देगा रिफ्रेश किया तो इस बार सारी ही सारी सिटीज अपर केस के अंदर प्रिंट होकर आ गई तो लूप्स को हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जब भी हम एरेज के साथ डील कर रहे होते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक नहीं वो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर वी आर गिवन एन एरे विद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिए हुए हैं एरे की फॉर्म में हमें क्या करना है हमें क्लास के एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करने हैं अब एवरेज मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता हम सारे के सारे मार्क्स का जो है सम कैलकुलेट करेंगे यानी 85 फाइव प्लस नाइन्टी सेवन प्लस फोर्टी फोर प्लस थर्टी सेवन इस तरीके से सारे की सारी वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करके अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज से उसे डिवाइड कर दें फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे सम आएगा उसको अगर हम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर उससे अगर डिवाइड कर दें जो यहाँ पे सिक्स के इक्वल तो हमारे पास एवरेज आ जाता है अब सम हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना आता है लूप पढ़ते टाइम हमने बात की थी ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे किसी भी एरे की लेंथ क्या होती है उसके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ पे सम को कैलकुलेट करके हम डिवाइड कर सकते हैं एरे की लेंथ से तो हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे बहुत इजी सवाल है यहाँ पे एक बार पॉज करना है दो मिनट खुद से सोच के इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और बाकी हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं तो लेट्स क्रिएट आर एरे फर्स्ट अपना ये मार्क्स नाम का एरे हम क्रिएट कर सकते हैं लेट मार्क्स इज इक्वल टू वी हैव 85 वी हैव 97 हमारे पास 44 है 37 है 76 है और 60 है तो ये सारे के सारे हमारे मार्क्स आ गए अब मुझे जाके एक 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 मार्क्स को ऐड करके उसका सम निकालना है तो सम को स्टोर करवाने के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं सम जिसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो के साथ शुरुआत में सम की वैल्यू जीरो है अब या तो हम ये कर सकते हैं सम इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ प्लस मार्क्स ऑफ वन प्लस मार्क्स ऑफ टू ये तो हो गई नॉर्मल जिंदगी पर प्रोग्रामर की जिंदगी के अंदर क्या होता है प्रोग्रामर की जिंदगी कहती है ऐसे नहीं करूंगा काम मुझे अगर इस तरीके से चीज़ों को इंक्रीमेंट करते जाना है हर एक इंडेक्स पे जाके वैल्यू को के साथ कुछ चेंज करना है कुछ कैलकुलेट करना है तो मैं तो जी लगाऊंगा लूप एरे के साथ तो लूप लगाने के लिए वी कैन यूज अ फॉर ऑफ लूप या हम फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल सा वरना एरेज के लिए हम एक और लूप को सीखेंगे बाद में जाके जिसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप इसे एक बार फंक्शन वाला हम टॉपिक कर लेंगे ना उसके बाद इसे सीखेंगे फॉर ईच लूप को भी हम यूज़ कर सकते हैं एरेज के लिए बट अभी के लिए जो लूप्स हमने सीखे हैं उन्हीं के साथ काम चलाते हैं तो यहाँ पे लेट मार्क्स या लेट वैल्यू ऑफ मार्क्स इंडिविजुअल मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें पहले तो हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं

हम अपनी सम की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं तो हमारे पास सम की टोटल वैल्यू आ जाएगी रिफ्रेश किया सम है टोटल थ्री नाइनटी नाइन के इक्वल अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लेट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई सम को किससे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एरे की लेंथ से तो उसके लिए, लिए लिख सकते हैं मार्क्स डॉट लेंथ ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा और यहां प्रिंट कर सकते हैं एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज इक्वल टू और ये यूज़ कर लेंगे यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट लिटरल। आई होप कि लास्ट क्लास से स्ट्रिंग्स के अंदर हमें याद है टेम्पलेट लेटरल्स क्या होते हैं ये एम्बेड कर दिया हमने अपने वेरिएबल को यहाँ पे सेव किया रिफ़्रेश किया तो एवरेज मार्क्स कितने आए क्लास के एवरेज मार्क्स आए हैं सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव के इक्वल तो इस तरीके से हमने एक लॉजिकल प्रोग्राम बिल्ड किया है जिसके अंदर काफ़ी सारी नॉलेज हमने यूज़ किया है हमने स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को तो यूज़ किया ही है हमने एरेज को यूज़ किया है हमने लूप्स को यूज़ किया है प्लस इक्वल टू के अंदर ऑपरेटर को यूज़ कर लिया डिवाइड को यूज कर लिया तो इस तरीके से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं उनको हर क्लास के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में हम यूज करते हुए चले जाते हैं नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है एक गिवन एरे विद प्राइसेस ऑफ फाइव आइटम्स हमारे पास ये पांच आइटम्स हैं जो हमें दिए हुए हैं और हर आइटम के ऊपर टेन परसेंट का ऑफर है टेन परसेंट ऑफ है हर आइटम के ऊपर तो हमें क्या करना है इसी एरे के अंदर हमें स्टोर करना है फाइनल प्राइस आफ्टर अप्लाइंग ऑफर फॉर एग्जाम्पल ये एक वैल्यू ले लेते हैं थ्री ये अगर थ्री वैल्यू मेरे पास है अभी एरे के अंदर तो इस पर ऑफर कितना होगा इस पर टेन का ऑफर होगा मतलब थर्टी ऑफ होंगे अब मुझे यही थर्टी रुपीज थ्री हंड्रेड में से माइनस करने हैं तो मेरी फाइनल अमाउंट हो जाएगी थ्री हंड्रेड माइनस थर्टी दिस विल टर्न आउट टू बी टू हंड्रेड एंड सेवेंटी तो फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे नए एरे के अंदर आनी चाहिए इसी एरे के अंदर थ्री हंड्रेड को काट के यहाँ पे टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सेव होना चाहिए तो इसी तरीके से करना है जैसे नाइन हंड्रेड वाला है तो नाइन हंड्रेड का टेन परसेंट ऑफ होगा नाइन्टी रुपीज ऑफ हो जाएंगे फाइनल वैल्यू क्या आएगी नाइन हंड्रेड माइनस दिस विल बी इक्वल टू एट हंड्रेड टेन तो यहाँ से कट के एट हंड्रेड टेन आ जाना चाहिए तो हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप एक एक इंडेक्स पर हम जाएंगे और एक एक इंडेक्स पे जाके हम अपनी वैल्यूज को चेंज करेंगे एक एक इंडेक्स पे कैसे जाते हैं हम एक एक इंडेक्स पे जाने के लिए हम अपने लूप को यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल हम अपना जो फॉर लूप लिखेंगे उसके अंदर लेट वैल्यू ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं आइटम्स ले सकते हैं अपने एरे का नाम और उसके अंदर हर एक आइटम के लिए हमें क्या करना है अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है वैल्यू के अंदर तो 300 भी हो सकता है 600 भी हो सकता है सबसे पहले तो ऑफर निकाल लो कितना ऑफर है ऑफर हो जाएगा वैल्यू का 10 परसेंट किसी भी नंबर का 10 परसेंट कैसे निकलता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसको हम डिवाइड कर देते हैं टेन के साथ किसी भी नंबर को टेन से डिवाइड कर दो तो उसका टेन आ जाएगा तो ये हमारे पास ऑफर आ जाएगा मुझे क्या करना है वैल्यू में से ऑफर को माइनस करना है और इसी को फाइनली फिर वैल्यू के अंदर सेव करवा लेना है तो इस तरीके से हम चेंज कर पाएंगे अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे हम फॉर ऑफ लूप को यूज नहीं कर पाएंगे फॉर ऑफ लूप को इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर ऑफ लूप हमें डायरेक्टली वैल्यू दे देता है पर इंडेक्स नहीं देता पर एरे के अंदर चेंज करने के लिए हमें इंडेक्स पता होना चाहिए कि हम कौन से इंडेक्स पे चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे हम इंडेक्स के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा या वाई लूप या डू वाई लूप कोई ऐसा लूप यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने इंडेक्स को ट्रैक कर सकें वैसे इसके अंदर भी इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं इनडायरेक्टली इनफैक्ट लेट मी टेल यू हाउ डू वी डू इट यूजिंग फॉर ऑफ लूप एक हम वेरिएबल बना लेते हैं लेट आइटम्स is इक्वल टू इसमें हर आइटम का प्राइस स्टोर कर लेते हैं 250 हो गया हमारे पास 645 हो गया हमारे पास 300 हो गया वी हैव 900 वी हैव 50 रुपीस। इस सारे के सारे आइटम्स आ गए अब हम क्या करेंगे फॉर ऑफ लूप से लेट प्राइस या वैल्यू ऑफ आइटम्स सबसे पहले तो अपनी वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग वैल्यू सेव किया प्रिंट किया ये सारी सारी वैल्यूज आ गई अब मुझे देखना है मैं यहाँ पे आइटरेटर कैसे बना सकती हूँ मतलब एरे इंडेक्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसके लिए हम एक अलग वेरिएबल बना सकते हैं लेट इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो इसको जीरो से स्टार्ट कर लो और लूप के अंदर हर बार इस इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो तो हर बार हमारे पास इंडेक्स भी होगा तो हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू एट इंडेक्स और यहां आपने इंडेक्स की वैल्यू लिख दो इंडेक्स इज इक्वल टू और यहां अपनी वैल्यू हम प्रिंट करवा लेंगे तो इस तरीके से हर इंडेक्स पे डॉलर लगा देते हैं हर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी रिफ्रेश किया तो इंडेक्स नंबर जीरो पे टू फिफ्टी है इंडेक्स नंबर वन पे सिक्स फोर्टी फाइव है इंडेक्स नंबर टू पे थ्री हंड्रेड है तो इस तरीके से हम इंडेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं अपने फॉर ऑफ लूप में हाँ इस इंडेक्स को हम इनडायरेक्टली ट्रैक कर रहे हैं डायरेक्टली ये लूप का पार्ट नहीं है लूप का पार्ट तो तब होता है जब हम फॉर लूप लगाते लेट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ और हर बार हम करते हैं अपना आई प्लस प्लस तो इस तरीके से भी हम अपने लूप को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से भी लूप को यूज़ कर सकते हैं या हम चाहें तो इंडेक्स को शॉर्ट में आई बोल सकते हैं दिस विल बी माई आई वेरिएबल इसको कर लेते हैं सेव पहले इस लूप से सॉल्व करते हैं सवाल को इसे कॉमन आउट कर देते हैं यहाँ से सॉल्व करेंगे सवाल को तो हमें क्या करना है हर इंडेक्स के लिए उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है तो सबसे पहले तो ऑफ़र निकाल लो लेट ऑफर हर वैल्यू के ऊपर कितना ऑफर होगा आइटम्स का टेन परसेंट तो हर जो इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू है वो आ जाएगी वैल्यू डिवाइडेड बाई टेन ये हमारा ऑफर वैल्यू आ गई और फाइनली हमें क्या करना है फाइनली हमें आइटम्स के अंदर जाके इंडेक्स पर अपनी वैल्यू को उसी से डिक्रीज करना है वैल्यू से ऑफर अमाउंट को डिक्रीज कर देना है तो फाइनली जो अमाउंट आएगी कंसोल डॉट लॉक कर लेंगे हम उसे वैल्यू आफ्टर ऑफर इज इक्वल टू अब अपनी यहां वैल्यू को नहीं प्रिंट करवाना क्योंकि वैल्यू को अगर हम प्रिंट करवाएंगे इफ आई राइट वैल्यू हेयर तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा सेव रिफ्रेश तो 250 था, 250 था आफ्टर ऑफर भी है 645 था आफ्टर ऑफर भी 645 है तो ये क्या है वैल्यू वैल्यू लूप का वेरिएबल है मुझे क्या मैंने क्या चेंज किया है मैंने तो एरे को चेंज किया है आपको समझना पड़ेगा ये वेरिएबल अलग है वेरिएबल के अंदर वैल्यू कॉपी होके आ रही है उस इंडेक्स की और एरे जो है वो मेमोरी के अंदर अलग ही चल रहा है तो यहां मुझे प्रिंट करवाना है एक्चुअली अपने आइटम्स ऑफ आई को आइटम्स ऑफ आई को प्रिंट करवाएंगे सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश तो इस बार हर बार हमारा जो ऑफर है वो अप्लाई हो रहा है आप नोटिस करोगे 300 का जिसका प्राइस था उसका फाइनल प्राइस 270 आ गया है 900 का जिसका प्राइस था उसका फाइनल प्राइस 810 आ गया है 50 था तो 45 हो गया सब पे 10 परसेंट का ऑफर अप्लाई हो गया है तो हम इस लाइन को तो डायरेक्टली हटा ही सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो ये हमारी ऑफर के बाद वाली अमाउंट्स आ गई तो अब अगर हम अपने आइटम्स वाले एरे को प्रिंट करवाएंगे तो इन सब में नई वाली अमाउंट्स होंगी जिन सब पे टेन परसेंट का ऑफर अप्लाई हो चुका है तो ये तो हो गई फॉर ऑफ लूप को यूज करना यही सेम काम हम अपने फॉर लूप में कर सकते हैं ये हमने फॉर लूप बनाया इसमें सबसे पहले तो आइटम के ऊपर जितना ऑफर है उसको कैलकुलेट कर लिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आइटम्स ऑफ i डिवाइडेड बाई टेन ये ऑफर कैलकुलेट हो गया इसको कॉमेंट आउट कर लेते हैं फिर क्या करेंगे हर जो आइटम्स ऑफ i है वहाँ से माइनस इक्वल टू हम कर सकते हैं अपना ऑफर तो माइनस इक्वल टू इसी चीज़ को लिखने का एक सेकेंड तरीका है बेटर तरीका है एंड फिर हम अपनी या इनफैक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे चेंज कर लिया और लास्ट में अपना पूरा एरे ही प्रिंट करवा देंगे तो लास्ट में अपने आइटम्स एरे को हम प्रिंट करवा देंगे इसे इनफैक्ट यहाँ से हटा सकते हैं तो ये क्या हो गया? हो गया गया और सिंपलर लूप सेम चीज को करने का सेव किया रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास सारे सारे आइटम्स आ गए विद द ऑफर अप्लाइड टू देम तो इस तरीके से एरे को यूज करते हुए हम जनरली अपने लूप्स को यूज कर रहे होते हैं और लूप के अंदर हम कोई काम करते हैं ऐसा काम जो हमें हर एक एलिमेंट के लिए करना होता है अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे होंगे इसका नाम है एरे मेथड्स तो जैसे पहले हमने स्ट्रिंग्स की बात की फिर स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से यूजफुल मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में बात की वैसे ही हमारे एरेज के साथ भी कई सारे यूजफुल मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं तो इन सारे मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं अब एरे मेथड सीखने से पहले हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि एरेज हम पढ़ तो रहे हैं बट प्रैक्टिकली एरेज या लूप्स यूज कहां पर होते हैं तो जनरली जहां पर भी एरे जैसी चीज जहां पर भी स्ट्रिंग जैसी चीज जहां पर भी ऑब्जेक्ट्स जैसी चीजें यूज होती है इंटरनली प्रोग्रामिंग में उनके अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो हम लूप्स को तो यूज करते ही हैं और एरेज की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जनरली जितनी भी बड़ी हम वेबसाइट देखते हैं हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ डेटा इंटरनली एरेज की फॉर्म में ही स्टोर हो रहा होता है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ आइटम्स है आइटम्स की हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो हम एमजोन के ऊपर गए एमेजोन के ऊपर बहुत सारे हमारे पास आइटम्स लिस्टेड होते हैं एक आइटम के बारे में फॉर एग्जाम्पल माउस हम देख रहे हैं कि इस माउस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है हो सकता है माउस की एक प्रॉपर्टी हो इट इज ड्यूरेबल दूसरी प्रॉपर्टी हो सकता है इसके कलर के बारे में बता दिया दैट इट इज ऑफ व्हाइट कलर या इट इज ऑफ सिल्वर कलर तीसरी प्रॉपर्टी में हो सकता है इसका मॉडल नंबर हमने बता दिया तो इस तरीके से मल्टीपल इंफॉर्मेशन है जो एक ही प्रोडक्ट के बारे में स्टोर्ड है तो उस इंफॉर्मेशन की जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स बनेंगी उन सब

अब एरे मेथड्स के ऊपर वापस आ जाते हैं मेथड्स हमारे वही कुछ ऐसी चीजें होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमें कुछ काम करके देती है इनमें से सबसे पहला मेथड जैसे हम पढ़ रहे होंगे दैट विल बी आर पुश मेथड अब पुश मेथड को पढ़ने से पहले हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं एरेज के अंदर एक वो मेथड होते हैं जो हमारे एरे को चेंज करते हैं और एक वो मेथड्स होते हैं जो हमारे एरे को चेंज नहीं करते एक नया एरे हमें रिटर्न करके देते हैं अब स्ट्रिंग्स के अंदर तो क्लियर था स्ट्रिंग्स के अंदर हमें पता था स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं चेंज होती नहीं तो वहां पे तो हर बार हमारे जो भी मेथड्स होते थे वो हमें नई स्ट्रिंग रिटर्न करके देते थे पर एरेस के अंदर ऐसा नहीं होता एरेज के अंदर कुछ मेथड्स हमें उसी सेम एरे के अंदर चेंज कर देते हैं कुछ मेथड नया एरे रिटर्न करते हैं हमें ऐसा याद करने की जरूरत नहीं होती एरे मेथड्स को या कौन सा चेंज करता है कौन सा चेंज नहीं करता जनरली टाइम के साथ धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार यूज करेंगे हमें खुद याद हो जाएगा वरना डे टू डे लाइफ के अंदर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं हम जनरली गूगल कर लेते हैं कि कौन सा एरे मेथड किस तरीके से काम कर रहा होता है पर हाँ एक बार हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ एरे मेथड्स की जो इंपॉर्टेंट वाले तो हमें जनरली चीजें याद रह जाती हैं सबसे पहले बात करेंगे अपने पुश मेथड के बारे में पुश मेथड का, का काम होता है एरे के अंदर एंड में अगर हम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो तो पुश जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर ऐड होता है यूज होता है टू ऐड समथिंग और पॉप यूज होता है टू डिलीट समथिंग तो दोनों का अलग-अलग यूसेज -अलग होता है तो पुश करने का मतलब होता है एंड में एरे के एंड में चीजों को ऐड करना फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट ऑफ वेजीज वेजिटेबल्स की लिस्ट है मेरे पास मेरे पास है आई हैव पटेटो मेरे पास है वॉट आर द वेजिटेबल्स वी ईट या अभी वेजिटेबल्स के नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहे तो इसको हम आइटम्स या फूड आइटम्स बोल सकते हैं लेट्स कॉल इट फूड आइटम्स फूड आइटम्स की लिस्ट है हमारे पास इसमें पटेटो आ गया वी हैव एप्पल वी हैव लीची वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स एंड वी केन हैव लेट्स ए टमेटो काफ़ी सारे डिफरेंट फूड आइटम्स हैं हमारे पास अब इस फूड आइटम वाला जो एरे है इसके अंदर लास्ट में मुझे अपने आइटम को पुश करना है या यह यहाँ पर आ जाते हैं अपने फूड आइटम्स को प्रिंट करवाते हैं तो ये हमारे फूड आइटम्स हो गए अब फूड आइटम्स में लास्ट में प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं ओके फूड आइटम्स डॉट पुश और डॉट पुश के अंदर इस तरीके से पेरेंथिस लगा के हम अपने मेथड को यूज करते हैं और अंदर हम वो वैल्यू पास कर सकते हैं जिसे हमें ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है चिप्स को फूड आइटम्स एंटर किया तो अब क्या हुआ हमारा फूड आइटम्स जो है वो चेंज हो गया और ये मेथड क्या करता है ये मेथड नई जो अपडेटेड लेंथ होती है हो, उसको रिटर्न कर देता है अब अगर आप फूड आइटम्स की वैल्यू देखोगे सो नाउ दिस इज एन अपडेटेड वैल्यू जिसके अंदर एक और आइटम जो है वो ऐड होकर आ गया है इसी तरीके से फ़ूड आइटम्स के अंदर अगर हमें मल्टीपल आइटम्स ऐड करने होते हैं फ़ूड आइटम्स डॉट पुश को हम यूज़ कर सकते हैं पहले मान लो हमने चिप्स ऐड कर दिया उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके हम नया ही आइटम ऐड कर सकते हैं लेट्स सपोज़ आई एड अ बर्गर या उसके बाद फूड आइटम्स के अंदर मैंने पनीर ऐड कर दिया एंड फिर जब हम प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉक करके अपने फूड आइटम्स को तो हमारा एरे चेंज हो चुका होगा और उसके अंदर ये सारी की सारी नई जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ गई होंगी तो पुश होता है सारी चीजें एक चीज आपने नोटिस किया होगा एंड में जाके ऐड हुई है स्टार्टिंग में नहीं ऐड हुई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग आइटम्स थे उसके एंड में जाके ऐड हुए हैं और पुश जो है हमारे एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंज कर देता है तो ये जो फूड आइटम्स था ओरिजिनल एरे के अंदर ही हमारे एरे के अंदर चेंज हो गया नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉप के बारे में पॉप भी ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंज करता है और ये क्या करता है एंड से आइटम्स को डिलीट करता है एक आइटम को डिलीट करता है और फिर उस डिलीटेड आइटम को रिटर्न भी करके दे देता है है फॉर इफ आई राइट फूड आइटम्स डॉट पॉप तो से क्या होगा ये टोमेटो जो है, ये डिलीट हो जाएगा और फिर बाद में पहले एक बार फूड आइटम्स को प्रिंट करवा लेते हैं एंड बाद में एक बार प्रिंट करवाएंगे सेफ रिफ्रेश तो पहले फूड आइटम के अंदर ये चार आइटम थे एंड इस बार फूड आइटम के अंदर सिर्फ तीन ही हमारे पास आइटम्स रह गए हैं अब यहां पर ये जो पॉप है ये हमें डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है लेट डिलीटेड वैल्यू या डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू दिस वैल्यू तो हम इसे भी प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड डिलीटेड आइटम सेफ रिफ्रेश तो कौन सा आइटम डिलीट हुआ टमेटो जो आइटम था वो हमारे लिए डिलीट हो गया और ये भी क्या हुआ एंड से डिलीट हुआ तो पॉप पॉप भी भी चेंज चेंज करता है है ओरिजिनल एरे के अंदर लेके आता इसके बाद बात करते हैं टू स्ट्रिंग की टू स्ट्रिंग का काम होता है टू कन्वर्ट एन एरे टू अ स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस एरे हो सकता है अभी तो इसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रिंग अवेलेबल है पर अगर हम पूरे के पूरे एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं वी हैव दिस फूड आइटम्स एक तो है कि मैं नॉर्मली अपने एरे को इस तरीके से प्रिंट करवाऊँ फूड आइटम्स मैंने लिख दिया और दूसरा तरीका है कि इसी लाइन को कॉपी करके हम प्रिंट करवाएं फूड आइटम्स डॉट टू स्ट्रिंग सेव करेंगे रिफ्रेश करेंगे तो एक तो हमें पता चल रहा है एक के अंदर क्या है सारे के सारे एरे के आइटम्स प्रिंट होकर आ रहे हैं और दूसरा है सारे के सारे एरे के आइटम्स प्रिंट हो रहे हैं विद अ कॉमा बट ये क्या है ये एक स्ट्रिंग है ये एक एरे नहीं है ये एक स्ट्रिंग है तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एरे को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और चेक करने के लिए कि ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज हुआ है या नहीं हुआ वो हमने कर लिया कि ओरिजिनल एरे के अंदर टू स्ट्रिंग चेंज नहीं करता टू स्ट्रिंग क्या करता है यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसके अंदर एरे के सारे आइटम्स होते हैं ओरिजिनल एरे वैसे का वैसा इंटैक्ट रहता है ये तो हमने स्ट्रिंग्स वाला ही एरे दे दिया अगर हमारे पास कोई मार्क्स वाला एरे होता जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के सपोज मार्क्स होते थर्टी सिक्स इस तरीके से तो हम इसे भी कन्वर्ट कर सकते थे टू अ स्ट्रिंग वी कुड हैव रिटन मार्क्स

जैसे कॉनकैट को हमने स्ट्रिंग्स के अंदर भी पढ़ा था कॉनकैट स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के काम आता है और यहाँ पे वो मल्टीपल एरेज को एक दूसरे के साथ जोड़ने के काम आता है तो कॉनकैट क्या करता है इट ज्वाइंस मल्टीपल एरेज एंड रिटर्न्स द रिजल्ट ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं करता कॉनकैट नया रिजल्ट हमें रिटर्न करके देता है जैसे एक एरे हम बनाते हैं लेट्स कॉल इट मार्वल मार्वल हीरोज का एरे बनाते हैं इसके अंदर हमारे पास थॉर आ जाएगा इसी के अंदर वील हैव स्पाइडमैन, मैन वील हैव व्हाट डू वी हैव, वी हैव आयन मैन तीन हमारे पास सुपर हीरोज़ हो गए और मार्वल, और एक हम डी सी हीरोज़ का बना सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास सुपरमैन आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास बैटमैन आ जाएगा इस तरीके से तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं अगर इन दोनों एरेज़ के एलिमेंट्स को कंबाइन करके मुझे कॉमन एरे बनाना है हीरोज तो उसके लिए हम अपने पहले एरे का नाम लिख सकते हैं मार्वल हीरोज और फिर हम लिख सकते हैं डॉट कॉनकैट और कॉनकैट के अंदर हम अपने सेकेंड एरे का नाम पास कर सकते हैं या इनफैक्ट इसे डी सी हीरोज इस तरीके से लिख लेते हैं फॉलो आर कैमल केस तो ये मार्वल हीरोज हो गए ये हमारे डी सी हीरोज हो गए इस तरीके से तो ये क्या करेगा ये हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा जिसे हम हीरोज कह सकते हैं और फिर हम अपने नए एरे को प्रिंट करवा लेंगे कंसोल डॉट लॉग हीरोज सेव किया रिफ्रेश किया तो ये हमारा नया एरे रिटर्न होकर आ गया जिसमें ये तीन जो आइटम्स है वो हमारे फर्स्ट वाले एरे यानी इस वाले एरे के आते हैं और सेकंड वाले एरे के आइटम्स फिर इसके अंदर जाके कॉन्टिनेट हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं और सारे के सारे आइटम्स उसी सीक्वेंस में ऐड होते हैं जिस सीक्वेंस में वो एरे के अंदर स्टोर थे और यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता जैसे इफ आई ट्राई टू प्रिंट डीसी हीरोज़ वो वैसे का वैसा है एफ आई ट्राई टू प्रिंट मार्वल हीरोज वो एरे भी वैसे का वैसा है ये हमारा नया एरे है जो हमारे लिए रिटर्न होके आया है क्रिएट हुआ है इसके अंदर अगर हम डी सी हीरोज़ को पहले ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ डी सी हीरोज डॉट कॉन्कैट फिर दूसरा नाम लिख सकते हैं हम चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल एरेज भी पास कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई पास इंडियन रो शक्तिमान या आई कैन पास क्रिश इफ दिस इज द राइट स्पेलिंग एंड यहां हम अपने इंडियन हीरो में कॉन्टिनेट कर सकते हैं रिफ्रेश किया तो इस बार सारे के सारे जो मल्टीपल हीरोज हैं वो हमारे पास सिंगल एरे के अंदर रिटर्न होकर आ गए अब नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करेंगे ये हमारा अनशिफ्ट मेथड अनशिफ्ट मेथड इज इक्विवेलेंट टू द पुश मेथड मतलब ये पुश की जैसे काम करता है और शिफ्ट मेथड जो होता है ये हमारा पॉप की तरह काम करता है अब अनशिफ्ट मेथड क्या करता है ये किसी भी एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को एड करने के काम आता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिर्फ मार्वल हीरोज़ वाला एरे है तो मार्वल हीरोज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं अनशिफ्ट कर सकते हैं अनशिफ्ट और यहाँ ऐड कर देंगे लेट्स सपोज एंटमैन तो ये एंटमैन क्या है हमारे एरे के अंदर स्टार्टिंग में ऐड हो गया आ जाएगा सेव किया रिफ्रेश किया वी कैन प्रिंट आर मार्वल हीरोज तो स्टार्टिंग में क्या आ गया स्टार्टिंग में हमारे पास एंड पेन प्रिंट होकर आ गया एंड शिफ्ट का, का काम होता है स्टार्टिंग से डिलीट करना तो so अगर हम यहाँ पर इसे हटा देते हैं सिर्फ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमें जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा लेट वैल्यू इज इक्वल टू दिस उसे हम प्रिंट करवा सकते हैं तो so ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी डिलीटेड एंड यहाँ हम अपनी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे रिफ्रेश किया तो so इसने क्या किया थॉर को डिलीट कर दिया और मार्वल हीरोज वाला अगर हम देखेंगे तो अब हमारे मार्वल हीस के अंदर सिर्फ स्पाइडरमैन मैन है ये जो फर्स्ट एलिमेंट था फर्स्ट आइटम था इसको डिलीट कर दिया हमारे शिफ्ट ऑपरेटर ने तो शिफ्ट जो भी डिलीट करता है उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है और ओरिजिनल एरे के अंदर हमें चेंज करके दे देता है अब एक और चीज आपको यहां पे नोट करनी है इवन दो मेरे जो एरे मेथड्स हैं इनके नाम मैंने कैपिटल के अंदर लिखे हुए हैं यहां भी कैपिटल में लिखा हुआ है यहां भी कैपिटल में पर ये सारे के सारे जो हमारे मेथड्स होते हैं हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होते हैं कभी भी शिफ्ट की जगह या कैपिटल एस से शिफ्ट नहीं लिख देना वो शिफ्ट जो है स्मॉल एस से है कॉन्ट में भी स्मॉल सी से स्टार्ट होता है जितने भी मेथड्स होते हैं एरे के स्ट्रिंग के सारे के सारे स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट हम दो और इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे इनमें से एक है स्लाइस एक है स्प्लाइस स्लाइस मेथड को हमने स्ट्रिंग्स के अंदर देखा था जैसा काम स्लाइस मेथड स्ट्रिंग्स के अंदर करता है वैसा ही काम एरेज के अंदर करता है स्लाइस मेथड क्या करता है हमें स्लाइस काट के जैसे केक की स्लाइस हम निकाल लेते हैं किसी भी आ, हम खीरा काटते हैं, खीरे की स्लाइस निकाल लेते हैं वैसे ही हम अपने एरे की स्लाइस निकाल सकते हैं पीस निकाल सकते हैं कैसे स्लाइस को हम ये बता देते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स ये है एंडिंग इंडेक्स ये है मुझे एक टुकड़ा ला कर दे दो अब स्लाइस मेथड जो है ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं करता ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं करता हमारा स्लाइस मेथड तो स्लाइस मेथड को एक बार देखते हैं लेट्स ऐड सम मोर हीरोज इन दिस वी कैन ऐड एंटमैन हम ऐड कर सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज तो ये हमारे पास काफ़ी सारे हीरोज आ गए एंड कंसोल डॉट लॉग करके हम अपने हीरोज़ को प्रिंट भी करवा सकते हैं सेव किया रिफ्रेश किया तो वी हैव फाइव एलिमेंट्स अब फाइव एलिमेंट्स में से लेट सपोज मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही चाहिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा स्टार्टिंग इंडेक्स है वन ये एंडिंग इंडेक्स है टू तो हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग आई वॉन्ट अ पीस ऑफ इट सो मार्वल हीरोज डॉट स्लाइस स्टार्टिंग इंडेक्स वन हो जाएगा और हम हमेशा क्या करते हैं जब भी हमें कोई टुकड़ा चाहिए होता है एंडिंग इंडेक्स नॉन इंक्लूसिव होता है नॉन इंक्लूसिव यानी जो भी हम एंडिंग इंडेक्स लिखेंगे वो एंड वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा तो अगर मैंने टू लिखा तो टू इंक्लूड नहीं होगा सिर्फ वन से लेके वन तक ही स्लाइस मेरे पास आएगी जैसे अगर मैंने वन से टू लिखा सेव किया रिफ्रेश किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही आइटम आएगा क्यों क्योंकि वन से लेके टू का मतलब है टू को मत इंक्लूड करो वन से लेके वन तक ही लेके आओ तो अगर मुझे दो आइटम्स चाहिए तो मुझे वन से लेके थ्री लिखना पड़ेगा सेव किया रिफ्रेश किया इस बार हमारे पास टू आइटम्स आ गए सिमिलरली इफ आई डोंट एड एनी तो इसका मतलब होता है वन से लेके एंड तक रिफ्रेश किया तो ये वन से लेके एंड तक सारे के सारे चारों आइटम्स हमारे पास प्रिंट होके आ गए इसमें से फर्स्ट आइटम नहीं आया बाकी सारे आइटम्स हमारे पास आ गए तो ये भी हमारे पास ऑप्शनल होता है एंड अगर स्टार्टिंग इंडेक्स हटा दिया तो जो टुकड़ा ये चीज़ रिटर्न करेगा स्लाइस मेथड रिटर्न करेगा वो पूरा का पूरा एरे होगा कंप्लीट तो एरे को स्लाइस मेथड रिटर्न कर देता है तो कभी कभी स्लाइस मेथड को हम अपने एरे की कॉपी बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा स्लाइस मेथड अब बात करते हैं ऐसा ही साउंड करने वाला स्प्लाइस मेथड स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज करता है और स्प्लाइस भी क्या करता है स्प्लाइस काम करता है ओरिजिनल एरे को चेंज करने का ही यानी अगर आपको ओरिजिनल एरे के अंदर कुछ ऐड करना है कुछ रिमूव करना है डिलीट करना है कुछ रिप्लेस करना है सारे के सारे काम हमारे लिए स्प्लाइस मेथड कर देता है तो स्लाइस मेथड तीन हमारे पास पैरामीटर्स लेता है यानी तीन वैल्यूज इनपुट लेता है जिसके बेसिस पे काम करके देगा हमें सबसे पहले ये लेगा हमसे स्टार्टिंग इंडेक्स कि कहाँ से चेंज स्टार्ट करना है फिर स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद कितने आइटम्स उसको डिलीट करने चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव एन एरे इसके अंदर वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है ये एरे है मेरे पास सारे के सारे इंडेक्स की वैल्यूज लिख लेते हैं ये सारे के सारे इंडेक्स हो गए अब जो स्लाइस है स्लाइस के अंदर सबसे पहले हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं लेट सपोज हमें इंडेक्स नंबर टू से चेंज शुरू करना है तो मैं इंडेक्स टू पास कर दूंगी फिर हमें बताना होता है टू के बाद मुझे कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है अगर टू के बाद मैं चाहती हूँ एक एलिमेंट डिलीट हो जाए तो इंडेक्स वन ये जो इंडेक्स टू वाला एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा अगर मैं कहती हूँ इंडेक्स टू के बाद मुझे दो एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो टू और थ्री दोनों डिलीट हो जाएंगे अगर मैं कहती हूँ इंडेक्स टू के बाद मुझे तीन एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो टू थ्री फोर ये तीनों एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे तो अगर मैं कहती हूं मुझे एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना तो इसको हम जीरो की तरह पास कर सकते हैं कि मुझे तो एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना या लेट सपोज मुझे दो एलिमेंट्स डिलीट करने हैं और फिर हम बताते हैं क्या आपको कुछ नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं अगर हमें नए एलिमेंट्स नहीं ऐड करने तब तो आप कुछ भी नहीं आप इसको खाली छोड़ सकते हैं हम पैरेंथेसिस से इसे क्लोज कर सकते हैं पर अगर हमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो एलिमेंट्स कहाँ पे ऐड होते हैं वो एलिमेंट इसी इंडेक्स पे ऐड होते हैं ये जो इंडेक्स है यहीं से सब कुछ डिसाइड होता है इसी इंडेक्स पे जाके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करते हैं यहीं पे जाके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं लेट सपोज मुझे वन जीरो वन ऐड करना है और वन ज़ीरो टू ऐड करना है तो ये एरे कैसे चेंज होगा इस एरे के अंदर इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन तो वैसे ही रहेंगे इंडेक्स जीरो और इंडेक्स वन तो वैसे का वैसा रहेगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इंडेक्स टू के पास जाके दो एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे तो कौन कौन डिलीट होगा टू वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा थ्री वाला एलिमेंट दो एलिमेंट डिलीट हो गए और फिर क्या होगा इस इसी इंडेक्स टू पे आके हम अपने नए एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे जितने भी नए एलिमेंट्स हमने पास किए हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वन ज़ीरो वन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वन ज़ीरो टू को और और भी होते तो उनको भी ऐड कर देते तो ये इंडेक्स टू हो जाएगा ये इंडेक्स थ्री हो जाएगा और फिर जो बाकी के बच गए एलिमेंट्स सहरे में फिर वो सारे आ जाते हैं तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा सिक्स आ जाएगा सेवन आ जाएगा तो इस तरीके से हमारा स्प्लाइस काम करता है स्प्लाइस को एलिमेंट्स एड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है डिलीट करने के लिए भी रिप्लेस करने के लिए भी तो एक बार इसे कोड के अंदर भी देख लेते हैं लेट्स क्रिएट अ न्यूमेरिकल एरे इसको एरे नाम दे देते हैं इसके अंदर वी हैव एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया उसी को मैं आपको शो करके दिखाती हूँ एरे डॉट स्प्लाइस मुझे इंडेक्स टू पे जाके दो एलिमेंट्स को डिलीट करना है वन जीरो वन को ऐड करना है वन जीरो टू को ऐड करना है सेव कर लिया रिफ्रेश किया अब अपने एरे को फाइनल एरे जो आया रिफ्रेश कर लेते हैं फाइनल एरे को प्रिंट करवाते हैं फाइनल एरे के अंदर क्या आया वन टू इंडेक्स टू पे वन जीरो वन इंडेक्स थ्री पे वन ज़ीरो टू फिर फाइव सिक्स सेवन ये वही सेम आउटपुट है जिसको अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया तो स्प्लाइस को अलग अलग काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लेट्स सपोज स्प्लाइस से इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं स्लाइस से हम सिर्फ कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं हमें कुछ डिलीट नहीं करना हमें सिर्फ एलिमेंट को ऐड करना है या इसे कह सकते हैं ऐड करना है एलिमेंट को वट वी कैन डू इज एरे डॉट स्प्लाइस फॉर एग्जाम्पल मुझे टू के बाद वन जीरो वन ऐड करना है तो एलिमेंट डॉट स्प्लाइस टू कहाँ पे है टू है इंडेक्स वन पे थ्री कहाँ पे 3 है थ्री है इंडेक्स टू पे तो मुझे कहाँ पे चाहिए वन जीरो वन मुझे वन ज़ीरो वन चाहिए इंडेक्स नंबर टू के ऊपर मैं क्या करूँगी इंडेक्स टू पास करूंगी उसके बाद कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है जीरो एलिमेंट्स को डिलीट करना है और कहाँ पे ऐड करना है वैल्यू या yeah. और क्या वैल्यू ऐड करनी है वैल्यू ऐड करनी है सेव किया किया रिफ्रेश अब एरे क्या होगा माई एरे माई एरे विल बी इक्वल टू वन टू एंड वन जीरो वन तो मैंने क्या किया टू के बाद वन जीरो वन ऐड करना है तो जिस इंडेक्स पे आप चाहते हो वो वैल्यू ऐड हो वो इंडेक्स आपको पास करना पड़ेगा तो टू के बाद वाला इंडेक्स मैंने पास किया विच इज द नंबर टू इंडेक्स टू का इंडेक्स क्या था वन था थ्री का इंडेक्स क्या था टू था तो सेकेंड इंडेक्स पे जाके जीरो आइटम्स को डिलीट करो और वन जीरो वन इस वैल्यू को ऐड कर दो अब सपोज मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करने का काम करना है हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी डिलीट कर सकते हैं एक एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं लेट्स इसे कॉमेंट आउट कर देते हैं लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस एलिमेंट फोर तो फोर का बस इंडेक्स पता होना चाहिए हमें फोर का इंडेक्स क्या है थ्री है तो मैं कर सकती हूँ एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स नंबर थ्री पे जाके एक एलिमेंट को डिलीट कर दो इसको सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं अब एरे आ गया एरे के अंदर क्या हुआ नंबर फोर वाला आइटम हमारे लिए डिलीट हो गया हम आइटम्स को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वी कैन रिप्लेस एन एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल मुझे इस फोर को वन ज़ीरो फोर से रिप्लेस करना है कैसे करेंगे लॉजिक ये होगा कि एरे डॉट स्प्लाइस कर दो इंडेक्स नंबर तीन पे जाके एक एलिमेंट को डिलीट कर दो और वहीं पे 101 इस एलिमेंट को ऐड कर दो तो एक एलिमेंट डिलीट तो होगा पर उसी की खाली जगह में 101 ऐड हो जाएगा सेव किया रिफ्रेश किया एरे को प्रिंट करवाएंगे तो वन टू थ्री फोर की जगह 101 आ गया फिर फाइव सिक्स सेवन तो इस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करना हो डिलीट करना हो रिप्लेस करना हो तीनों ऑपरेशन के लिए हम अपने स्प्लाइस मेथड को यूज कर सकते हैं विच इज अ रियली यूजफुल मेथड इन प्रोग्रामिंग अब इन फैक्ट स्प्लाइस मेथड के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं एक चीज ट्राई करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश किया एरे हमारे पास आ गया दिस इज माई एरे अब एरे डॉट स्प्लाइस अगर मैंने किया और उसके अंदर लेट सपोज मैंने इंडेक्स फोर पास कर दिया और जैसे ही एंटर करेंगे तो इस बार एरे के अंदर चेंज हो गया एरे के अंदर क्या चेंज हुआ जैसे ही हम कोई भी इंडेक्स पास करते हैं स्प्लाइस तो ये स्लाइस की तरह एक्ट करने लगेगा यानी इंडेक्स नंबर फोर के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उनका एरे मुझे रिटर्न करके दे देगा अब ओरिजिनल एरे के अंदर मेरे पास चेंज आ गया, जब आप चार वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो जाओ और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको डिलीट कर दो तो सबको जो डिलीट किया उसने एलिमेंट्स को वो उसने रिटर्न कर दिया एंड ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज होकर बाकी सारे जो आइटम्स हैं वो हमारे पास रह गए तो इस तरीके से स्प्लाइस के अंदर अगर हम सिर्फ एक इंडेक्स पास करते हैं तो उसका मतलब होता है उस इंडेक्स से लेके आगे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दो अगर हम कोई इंडेक्स पास नहीं करते जैसे एरे डॉट स्प्लाइस मैंने लिख दिया एंटर किया अब अगर मैं एरे को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे एरे के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा मतलब स्प्लाइस में अगर कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो इसका मतलब कोई भी आइटम हमारे लिए डिलीट नहीं होने वाला अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली अपने एरे मेथड्स को तो यूज करने की कोशिश करेंगे आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं यू कैन डू इट यूर सेल्फ ट्राई इट योर सेल्फ और फिर हम आ जाएंगे अपने लेक्चर के ऊपर तो क्वेश्चन कह रहे हैं क्रिएट एन एरे टू स्टोर कंपनीज ये कंपनीज़ के कुछ नाम हैं जो हमें स्टोर तो करने हैं एक एरे की फॉर्म में सबसे पहला टास्क हमारे लिए है टू रिमूव द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे सबसे पहले तो अपने लिए एरे बना लेते हैं कोड पे आ जाते हैं लेट्स क्रिएट द एरे लेट्स कॉल इट कंपनीज कंपनीज के अंदर हमें सबसे पहले ब्लूमबर्ग को स्टोर कराना है फिर वी हैव माइक्रोसॉफ्ट फिर वी हैव ऊबर देन वी हैव गूगल देन वी हैव आई एंड उसके बाद वी हैव नेटफ्लिक्स तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंपनीज हैं सेव किया रिफ़्रेश किया ये हमारी सारी सारी कंपनीज आ गई अब इन कंपनीज के लिए मुझे क्या करना है

डॉट शिफ्ट सेव किया रिफ्रेश किया अब मुझे कंपनीज की अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊं तो कंपनीज के अंदर ब्लूमबर्ग हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसने क्या किया स्टार्टिंग से एलिमेंट को डिलीट कर दिया सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं सेकंड पार्ट कहता है रिमूव उबर एंड ऐड ओला इन इट्स प्लेस यानी एरे के अंदर से मुझे इस उबर को हटाना है और इसकी जगह मुझे ओला लेके आना है तो बेसिकली हम रिप्लेस कर रहे हैं रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और हमें पता है जब भी हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है हम किसे यूज़ कर सकते हैं जब भी एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है हम अपने स्प्लाइस मेथड को यूज़ कर सकते हैं स्प्लाइस मेथड के अंदर हमें इंडेक्स बताना पड़ेगा क्या इंडेक्स है ऊबर का जीरो वन टू इंडेक्स नंबर टू पे जाओ रिप्लेस करने के लिए क्या होता है एक एलिमेंट को डिलीट करो एक एलिमेंट को एड करो तो एक एलिमेंट को डिलीट करना है कौन से एलिमेंट को ऐड करना है ओला को ऐड करना है तो आई कैन राइट द सेम स्टेटमेंट या इसी के बाद कर लेते हैं कंपनीज के अंदर या इससे तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा कंपनीज के अंदर जाके स्प्लाइस करना है इंडेक्स नंबर टू पे एक एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी जगह ओला को ऐड करना है सेव किया रिफ्रेश किया तो कंपनीज के अंदर अब ऊबर की जगह वील फाइंड ओला हेयर एट इंडेक्स नंबर टू थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं थर्ड पार्ट हमें कह रहा है एड एमेजोन एट द एंड हमारे जो पूरा एरिया है उसमें एंड में हमें अमेजोन को ऐड करना है ऐड करने के लिए दो मेथड्स को हमने पढ़ा है एक होता है हमारा पुश मेथड एक होता है हमारा अनशिफ्ट मेथड पुश कहाँ ऐड करता है पुश ऐड करता है एंड में अनशिफ्ट कहाँ ऐड करता है अनशिफ्ट ऐड करता है स्टार्ट में हम पुश को यूज कर रहे होंगे पुश को यूज करने के लिए वी कैन राइट कंपनीज डॉट पुश डॉट पुश के अंदर आई कैन ऐड एमेजॉन सेव किया रिफ्रेश किया अब कंपनीज की अगर बात करेंगे तो इसमें लास्ट में हमें हमारी ये कंपनी देखने को मिल जाती है तो इस तरीके से हम एरेस को यूज करते हैं और अपने एरे के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं तो आई होप कि एरेज को देखकर हमें अच्छा लगा होगा एक नया डेटा स्ट्रक्चर हमने सीखा है नई चीज सीखी है उसके प्रोग्रामिंग के अंदर जिसे आगे जाकर हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होंगे तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही प्रोग्रामिंग के अंदर काफी नई नई चीजें हमने आज और सीखी हैं इन्हें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं यू कैन रीड अबाउट मोर डिफरेंट एरे मेथड्स ऑन द एम डी एंड डॉक्यूमेंटेशन जिसका आपके साथ लिंक मैंने शेयर किया हुआ है जिसके बारे में आपको मैंने बताया हुआ है तो वहां जाके हम और ज्यादा मेथड्स के बारे में चाहें तो पढ़ सकते हैं वरना मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑल्सो लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग